सिंगर अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता। आशिकी 2 से बॉलीवुड में कदम रखने वाले ये टैलेंटेड सिंगर अब तैयार हैं इंडिया में अपना पहला लाइव शो करने के लिए। रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी रात बाकी है। चलिए आपको मिलाते हैं इस बेहतरीन गायक से। जब मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस शुरू किए, मेरे गुरुजी नहीं थे, ही पास्ड अवे 2007। तो उन्होंने वैसे देखे हैं मुझे स्मॉल परफॉर्मेंसेस जो मैं देता था पहले। परफॉर्मेंस के बाद कॉम्प्लीमेंट तो मास्टर्स लोग नहीं देते हैं, दे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट यू बिहाइंड यू एक्चुअली एट द बैक। सो बट आई न्यू दैट ही यूज्ड टू Like what I, you know, what I've been doing. वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं करता हूँ। डर लगता है स्टेज में जाने के बाद अपने आप सही हो जाता है। It has to be there actually. मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि थोड़ा सा डर होना भी चाहिए स्टेज से जाने से पहले। So that I think that is required. So कर लेंगे। That's the hope that I have. हो जाएगा। भी नहीं करती हैं, मैं तो दिखता ही नहीं हूँ कहीं। तो मेरा एक प्राइवेट स्पेस हमेशा होता है। आई थिंक दैट्स व्हाई शी इज नॉट इनसिक्योर। मैं से लफंगी की तरह घूमने लगूंगा तो शायद इनसिक्योर हो जाए। उस्ताद बड़े गुलाल खान साहब, उस्ताद राशिद खान साहब, उस्ताद अमजद अली खान साहब, जॉन मेयर, जेसन मराज, माइकल बुबले, माइकल जैक्सन। तो ये थे हम सबके फेवरेट अरिजीत सिंह। थैंक यू। बॉलीवुड की और बहुत सारी सेलिब्रिटीज से हम आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। बट फॉर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।